कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध को लेकर खापरखेड़ा में आज शनिवार से सभी निजी अस्पताल चला रहे डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। खापरखेड़ा डॉक्टर एसोसिएशन ने बताया है कि यह हड़ताल 24 घंटे तक चलेगी। मरीजों की सुविधा के लिए इमरजेंसी को बाधित न करने का फैसला भी उन्होंने लिया है, लेकिन ओपीडी सेवाएं बंद है। खापरखेड़ा, भानीगांव, सिलेवाड़ा, दहीगांव, पिपला के सभी छोटे बड़े अस्पतालों में शनिवार सुबह 6 बजे से हड़ताल शुरू है, जो अगले दिन रविवार की सुबह 6 बजे तक चलेगी। ओपीडी बंद होने के कारण मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8 से 9 अगस्त की रात को एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। पीड़ित डॉक्टर चेस्ट मेडिसिन विभाग में एमडी सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। रात को 12 बजे दोस्तों संग डिनर के बाद वह सेमिनार हॉल में आराम करने चली गई थी, तभी उसके साथ यह घटना हुई है। इस घटना का निषेध डॉक्टरों ने किया है, जिसमें परिसर के सभी निजी दवाखाने बंद रहने से मरीजों को तकलीफ का सामना झेलना पड़ा है। निषेध व्यक्त कर रहे डॉक्टरों में खापरखेड़ा डॉक्टर संगठना के अध्यक्ष डॉक्टर ओंकार केलवते, उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र देशमुख, सेक्रेटरी डॉक्टर योगेश माहुरी, डॉक्टर चंद्रशेखर कावड़े, डॉक्टर गुफरान सिद्दीकी, डॉक्टर जावेद, डॉक्टर दांडेकर, डॉक्टर मनोज पांडे, डॉक्टर फिरोज खान, डॉक्टर चन्नी, डॉक्टर मनोज कोहरी, डॉक्टर अरुण सिंह, डॉक्टर सोलंकी, डॉक्टर गोविंद ढोके, डॉक्टर नीलेश बारस्कर और डॉक्टर विलास खोड़े शामिल थे। मैं डॉक्टर ओमकर केड़ोदे, खापरखेड़ा डॉक्टर एसोसिएशन का अध्यक्ष, ये घोषणा करता हूँ कि आज सुबह 6 बजे यानी 17 अगस्त सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन यानी 18 अगस्त सुबह 6 बजे तक जो दवाखाना बंद रहेगा वो इसलिए बंद रहेगा क्योंकि कलकत्ता में जो घटना हुई है उसका हम लोग सारे डॉक्टर, भारत भर के सारे डॉक्टर मिलकर निषेध कर रहे हैं, जाहिर घोषणा कर रहे हैं कि हम लोग इस एक्ट के ऊपर जो भी हुआ है हम इसके ऊपर चुप नहीं बैठेंगे और सारे डॉक्टर मिलकर इसका अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द न्याय मिले, और इसीलिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं डॉक्टर एसोसिएशन मिलकर, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस डॉक्टर, महिला डॉक्टर को न्याय मिले, इसलिए हम यहाँ पर एक साथ मिलकर हम चाहते हैं वी वांट जस्टिस। इसके साथ एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा से डॉक्टर्स के ऊपर जो है हल्ला होता है, कोई मारता है, कोई करता है, तो डॉक्टर्स की जो पढ़ाई की हमने 10-12 साल और जो मेहनत करते हैं हम अपने घर वालों के लिए नहीं करते हैं। कोई भी अपना, बहुत बार ऐसा होता है हमारे बच्चे बीमार रहते हैं, माँ बाप बीमार रहते हैं, उनको छोड़ के भी घर से बार बार फ़ोन आते रहते हैं, फिर भी हम काम करते रहते हैं। अगर ऐसा होते, इतना करने के बाद में भी अगर हमें, अगर लोगों का इतना आक्रोश सहना पड़ रहा है और ये सब ऐसी चीज़ें होती रही है, डॉक्टर के खिलाफ अगर ऐसे अत्याचार होते रहेंगे तो कौन फिर अपनी जनरेशन को, आगे वाली जनरेशन को कौन डॉक्टर बनाना चाहेगा? पैसा ही कमाना है तो बहुत सारे तरीके हैं पैसा कमाने के, वो किसी भी फील्ड में रहकर पैसा कमाया जा सकता है। इस फील्ड में बहुत बार हम ऐसा भी होते हैं, बहुत सारे गरीब लोगों को हम फ्री में भी ट्रीटमेंट देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अगर 100 रुपये या 200 रुपये अगर फीस रखी तो हम सबसे 200 रुपये लेते हैं। बहुत बार हम लोगों को छोड़ भी देते हैं, कम फीस में भी कर लेते हैं। अगर इतना ही करना है, इतना करने के बाद में भी अगर ऐसी चीज़ें उतरेंगी, कोई किसी भी डॉक्टर के खिलाफ कुछ भी बोलेगा तो ये सहना ही नहीं होगा। इसके बाद हमारी खापरखेड़ा डॉक्टर एसोसिएशन ऐसे हर चीज़ का तीव्र निषेध करती है, और ऐसे अगर कोई करता है डॉक्टर्स के खिलाफ तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हम करने की यहाँ से अग्रिम घोषणा करते हैं। एनबीसी न्यूज़ के लिए खापरखेड़ा से दिलीप गजबी की रिपोर्ट।